नमस्कार, कुकिंग विद शालिनी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही बढ़िया सा मलाई सैंडविच, जो कि आपको खाकर मजा आ जाएगा। आप एक बार खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे, इतना टेस्टी, इतना यम्मी। तो चलिए शुरू करते हैं। बनाना गैस पे हमने रख दिया तवा, गैस को कर दिया हमने ऑन, और नॉन स्टिक तवा लेंगे और इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे थोड़ा सा ऑयल, बस आधा चम्मच के करीब ही इसमें स्प्रेड करेंगे। और इसके साथ ही हमने लिए उबले हुए एक आलू, और उसको हमने छील कर, ठंडा करके छील के और इस तरह से गोल गोल जो है कट कर लिए, थोड़ा सा मोटा कट करेंगे तो इसके ऊपर रख लेंगे। तो हमने एक बड़ा आलू लिया और उसके चार पीसेस इस तरह से कर दिए। तो इसको हमने हल्का हल्का जो है इस तरह से हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन होने देना। तो जब आपको लगे कि हल्का हल्का इसका कलर नीचे से चेंज होने लगा या क्रिस्पी होने लगा, तो इसको जो है इस तरह से मोड़ लेंगे। अभी हुआ नहीं है, लेकिन इसको एक बार टर्न कर लेते हैं, कुछ कुछ बीच में से होने लगे। ये देखिए, तो दोनों साइड से हमने इसको अच्छा गोल्डन ब्राउन कर लेना है। और थोड़ा सा हम ले लेंगे हरा धनिया और वो भी इसके ऊपर हल्का हल्का स्प्रिंकल कर लेंगे। दोबारा से मोड़ लेते हैं और इस तरह से साइड चेंज करते हुए हमने दोनों तरफ से जो है इसको हल्का पिंक कर लेना है। तो टर्न करके फ्लिप करके इसको चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए अच्छा सा इसका कलर जो है चेंज हो रहा है। ये देखिए, बस दूसरी साइड से भी हम इसको इसी तरह से हल्का गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये देख सकते हो आप। ये देखिए, इस तरह से हमने हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन दूसरी साइड से भी कर लेना है। और इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लेंगे थोड़ा सा नॉर्मल वाला नमक, तो हाथ से इस तरह से स्प्रिंकल कर लेंगे बस एक चुटकी, और इसको मोड़ के दोनों तरफ से इस तरह से हमने सॉल्ट को स्प्रिंकल कर लेना है, बस एक चुटकी एक साइड और दूसरी एक चुटकी दूसरे साइड पे। कितने बढ़िया लग रहे हैं ये। तो लीजिए दोनों तरफ से ये हो गए क्रिस्पी, इसको निकाल लेते हैं। अब हम ले लेंगे दो पीस ब्रेड के। तो हमने ये व्हाइट ब्रेड ले लिया, आप कोई सी भी ब्रेड ले सकते हो, अच्छी फ्रेश ब्रेड लें, इससे सैंडविच बहुत ही आपका बढ़िया बनेगा। दोनों के ऊपर हम स्प्रेड कर देंगे अमूल बटर। जब आप स्प्रेड कर रहे हैं ध्यान रहे कि अमूल बटर स्प्रेड कर रहे हैं और बटर इस तरह से सॉफ्ट होना चाहिए। अगर बटर सॉफ्ट नहीं होगा तो आपकी अच्छे से लेयर जो है बटर की लगेगी नहीं। अगर आपका बटर फ्रिज में पड़ा हुआ है और थोड़ा हार्ड है तो थोड़ा सा निकाल लें और माइक्रोवेव हल्का सा कर लें, बस 20 सेकंड्स के लिए, और आपका बटर जो है इस तरह से सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से सॉफ्ट कर लेना। तो हमने दोनों स्लाइस के ऊपर बटर को इस तरह से स्प्रेड कर देना। अच्छे से लगा लेंगे। ये देखिए, ये सब जगह हमने बटर को कर लिया स्प्रेड दोनों स्लाइस के ऊपर। अब हम इसके ऊपर डाल लेंगे पतला पतला कटा हुआ खीरा। ये फुली लोडेड सैंडविच होता है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है। ये देखिए, अच्छे से इस पे खीरा लगा लेंगे। इसके बाद हम इसमें लगाएंगे कैप्सिकम, इस तरह से गोल गोल हमने पतली पतली कट कर लिए, और अब इसके ऊपर लगा लेंगे थोड़ा सा अपना, तो हमने इसके ऊपर स्प्रिंकल करना है काला नमक यानी कि ब्लैक सॉल्ट। तो एक चुटकी इस पे हम स्प्रिंकल कर देंगे इस तरह से, और इसके साथ ही इसमें थोड़ा सा अपना बना हुआ चाट मसाला डाल देंगे। मेरी इसकी रेसिपी मेरे चैनल में है, आप देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया जो चाट मसाला है इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप MDS का चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हो। तो अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ी सी घर से निकली हुई मलाई। तो घर में जो दूध हम बॉइल करते हैं उसके बाद जो अगले दिन मलाई निकलती है वो हम इसमें डाल देंगे और हल्का सा इस पर स्प्रेड कर देंगे। एक चम्मच हमने डाल दिया, और अब हम इसके ऊपर ग्रेट कर देंगे पनीर। तो एक स्लाइस को हटा लेंगे, साइड कर लेंगे, और इस तरह से इसके ऊपर हमने पनीर को ग्रेट कर लेना है। ये देखिए, अच्छे से हमने इसके ऊपर पनीर डाल देना। तो अब इसके ऊपर हम डालेंगे अपना थोड़ा सा और चाट मसाला। इसके साथ ही इसमें डाल लेंगे ये जो हमने आलू को हमने हल्का हल्का
पिंक कलर है वो आलू उसमें डाल देंगे। हमने 3 स्लाइस आलू भी डाल दिए और अब इसके ऊपर हम डालेंगे चीज स्लाइस। तो चीज स्लाइस आराम से बाजार में अवेलेबल होते हैं इस तरह के, तो एक चीज स्लाइस। और अगर आपके पास चीज स्लाइस अवेलेबल नहीं है तो कोई भी आप चीज़ ले सकते हो, जैसे कि आप प्रोसेस चीज़ ले सकते हो या कोई भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो घर पर तो वो आप चीज़ ले लें और इस तरह से इसके ऊपर डाल दें। इसके बाद इसमें हम डालेंगे अपने पतले पतले स्लाइस कटे हुए अनियंस, जो कि इसमें बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं इस तरह से। इसके साथ ही हम इसमें थोड़ा सा डाल देंगे पनीर और ये देखिए अच्छे से इसको पनीर से लोड कर देंगे और ग्रेट करा हुआ ही पनीर डालें, वो ही ज़्यादा जो है टेस्टी लगेगा। ये देखिए ये जो बाजार में सैंडविच मिलते हैं ना बिल्कुल इसी तरह से होते हैं। वो साइड से निकाल लेंगे और वो भी हमने इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे। इसके ऊपर अब हम डालेंगे टमाटर, इसके साथ ही थोड़ा सा और डालेंगे कैप्सिकम, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा नॉर्मल सॉल्ट, बस ज़्यादा नहीं एक चुटकी, और एक चुटकी ही हम इसमें चाट मसाला डाल लेंगे और थोड़ी सी इसमें घर में से निकली हुई मलाई और डालेंगे। पनीर और ग्रेट कर लेंगे। अब देख सकते हो कितना फुली लोड थोड़ी सी डाल देंगे हम अपनी हरी चटनी। एक चम्मच के करीब ये जो हमारा साइड पे पनीर है इसको इसके ऊपर डाल देंगे। अब हम लेंगे हाथ वाला ये पैटी मेकर, जो आराम से हर किसी के तकरीबन घरों में होता ही है, और इसके ऊपर अंदर से खोल कर इसके ऊपर हम लगा लेंगे बटर। तो हमने बटर साइड पे इस तरह से इसके ऊपर लगा लेना, सब जगह थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, इस तरह से थोड़ा थोड़ा लगा लेंगे और हमने दोनों तरफ लगाना इस तरह से। और ये जब गर्म होगा गैस पे पड़ा होगा तो अपने आप मेल्ट हो जाएगा। अब हम इसको साइड कर देंगे और सैंडविच को कर देंगे इस तरह से बंद, देखिए इस तरह से, और इसको हमने अच्छे से दबा देना है और फुली लोडेड सैंडविच को हम रख लेंगे अपने पैटी के मेकर के अंदर। लीजिए आप ये देख सकते हो इसके ऊपर इस तरह से हमने इसको फिट कर देना अच्छे से और इसको कर देंगे इस तरह से दबाकर बंद। इस गैस को ऑन कर दिया और इसको रख देंगे इसके ऊपर इस तरह से, और आप देख सकते हो कितना ये बढ़िया सा लग रहा है। तो इस तरह से इसको होने देंगे एक साइड से और मोड़ लेंगे दूसरी साइड पे। ये देखिए ऐसे हमने साइज को जो है बार बार चेंज करते रहना, और उसे खोल के देखेंगे अभी हुआ नहीं है। इस तरह से थोड़ा सा उठाकर हमने बनाते रहना है दोनों तरफ से। सैंडविच हमारा दोनों तरफ से हो चुका है, गैस को बंद कर लेते हैं और एक बार इसको दोबारा से चेक कर लेंगे। ये देखिए बढ़िया सा हमारा क्रिस्पी बन गया है सैंडविच। ये देखिए इसको अब निकाल के सर्व कीजिए। सैंडविच हमारा गया है बंद और इसको अब हम निकाल लेंगे। बहुत ही बढ़िया सा शानदार हमारा ये सैंडविच बना है। ये देखिए अब इसकी कटेंगे हम करेंगे हम कट, और इस तरह से हमने इसको कट कर लेना है इस तरह, दोनों तरफ से कर देते हैं। और आप देख सकते हो किस तरह से ये बढ़िया से लोडेड है। ये देखिए
लग रहा है ना बढ़िया, मैं आपको पास से दिखाती हूँ, काफ़ी ये गर्म है, ये देखिए बहुत ही बढ़िया लगता है ये। और कट कर लेते हैं इसको। अब हम लेंगे पेपर प्लेट, जैसे हमें बाज़ार में मिलता है तो उसी तरह से हमने इसको करना है सर्व, और इसको डाल लेंगे इस तरह से पेपर प्लेट में। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है ये, तो अब हम लेंगे दोबारा से अपनी चीज़ यानी कि पनीर, और इसके ऊपर से दोबारा से करेंगे ग्रेट। ये देखिए बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी लगने वाला है आपको ये। ये देखिए इसके साथ हल्का सा इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे हरा धनिया, साथ में अपना चाट मसाला, और इस तरह से इसको सर्व करेंगे। रेडी है ये सैंडविच हमारा खाने के लिए, सैंडविच फुली लोडेड जो है ये सैंडविच है। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सा सैंडविच है, इसे आप टमाटो केचप के साथ चटनी के साथ खाइए और इन्जॉय कीजिए, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तो मज़ेदार सा बढ़िया सा सैंडविच बना है, आप देख सकते हो बहुत ही टेम्पटिंग है, इसको ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा, बहुत फिलिंग है, आपको बाज़ार से खाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आप एक बार इसको टेस्ट कर लोगे। तो रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।